ब्यूटीफुल पीपल कैसे हैं आप सब लोग आप सब लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है सिक्स एक्स पोर्टल जी हाँ सिक्स एक्स पोर्टल मैंने ये रीडिंग जो है आफ्टर ही करने का सोचा था आप सभी लोगों को बता दूँ क्योंकि मैं ये चाह रही थी ताकि आप लोगों की जो बैलेंस्ड एनर्जी है उसका पता लग सके मोर ओवर चेंजेस क्या हो सकते हैं उसके बारे में और पॉजिटिवली पता लग सके सो हेयर आई एम विद पॉजिटिव रीडिंग आप सभी लोगों के लिए फॉर द सिक्स एक्स पोर्टल इस सिक्स एक्स पोर्टल के बाद जो कि कल था सिक्स एक्स पोर्टल के बाद आप लोगों की लाइफ में कौन से पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ करियर इन द टर्म्स ऑफ लव एंड ओवरऑल आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे एंड लास्ट में आप सभी लोगों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ भी है एंड द इज दिस ब्यूटिफुल पैंडलम ये सिर्फ पैंडोलम नहीं है मैंने इसका नाम रखा हुआ है तो इसका नाम है श्री मेरे पास जितने भी पैंडुलम है उन सबका नाम श्री होता है और आप सभी लोगों के लिए एक uh, यस नो पॉजिटिव क्वेश्चन भी निकालूंगी मैं तो आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही बहुत ही ब्लेस्ड एंड पॉजिटिव तो आप सभी लोगों को रीडिंग डेफिनेटली देखनी चाहिए ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो पाइल सिलेक्शन है सिर्फ आपने पिक करना है अपने अपना डेट ऑफ बर्थ ठीक है आपका जन्म किसी भी महीने किसी भी साल की एक तीन पाँच सात नौ ग्यारह तेरह पंद्रह सत्रह उन्नीस इक्कीस तेईस पच्चीस सत्ताईस उनतीस इकतीस को अगर हुआ है सो so आप लोगों के लिए है पायल नंबर वन का ऑप्शन आप लोगों ने पिक करना है पायल नंबर वन और अगर आप लोगों का जन्म साल के आ, या किसी भी साल के किसी महीने की दो दस अठारह छब्बीस चार बारह बीस अठाईस छ चौदह बाईस तीस आठ सोलह चौबीस को हुआ है तो पाइल नंबर टू का आप लोगों ने सिलेक्शन करना है ठीक है सो स्टार्ट करते हैं हैं आज की हैं, की की रीडिंग देखते पोर्टल के बाद आप लोगों एनर्जीज द पॉजिटिव ब्यूटिफुल चेंजेस इन योर कारियर लव एंड ओवरऑल मोर ओवर आप सभी लोगों के लिए लास्ट का सरप्राइज आपके क्वेश्चन का आंसर तो स्टार्ट करते हैं विद द पाइल नंबर तो ब्यूटिफुल पाइल नंबर वन पीपल आप लोगों की बर्थडे डेट वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन फिफ्टीन सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री थर्टी फर्स्ट ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी सेवन एंड ट्वेंटी फाइव हो सकती है सो so, इसको मैं यहां रख देती हूँ ठीक है एंड स्टार्ट करते हैं आप लोगों की एनर्जी से सो लेट्स गेट स्टार्ट आप लोगों के लिए ठीक है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे आप लोगों की एनर्जीज इस पोर्टल के बाद आप लोगों की एनर्जीज क्या हुई है सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूं कि ये जो सिक्स सिक्स पोर्टल था ना ये क्या था बॉटम ऑफ द डेक, डिसीट कार्ड नंबर पच्चीस Uh, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी सिक्स सिक्स पोर्टल का मतलब क्या होता है सिक्स इज़ अ नंबर ऑफ़ क्लीनिंग ठीक है क्लियरेंस क्लीनिंग आपको पता है जब भी किसी तरीके का स्पेल या हीलिंग वगैरह मैं करती हूँ तो उसके अंदर स्पेशली अगर कुछ रिलीज़ करने की एनर्जी होती है तो छः नंबर को हमेशा मैं डिनोट करती हूँ वहाँ पे छः नंबर को मैं लिखती हूँ तो सिक्स इज़ अ नंबर ऑफ़ क्लीनिंग एंड सिक्स सिक्स पोर्टल का जो तात्पर्य है वो है कि Uh, आपकी लाइफ से जो नेगेटिविटी है उसका खात्मा होना आपके जीवन में जो भी स्टग्ड परेशान एनर्जीज चल रही थी उन सबका ख़त्म होना और कुछ नया आपके जीवन में आना ठीक है सो सिक्स सिक्स इज अ ब्यूटिफुल पोर्टल ऑफ क्लीनिंग खराब चीज़ें और आपके जीवन में अच्छी चीज़ों का आगमन होना ठीक है अब यहाँ पर अगर आपकी एनर्जीज की हम बात करें तो आपकी जो एनर्जीज है ना वो मुझे फील हो रही है बहुत ज़्यादा साइकिक हो सकता है कि जब से सिक्सिक्स पोर्टल लगा है ये लगा था पाँच तारीख से ठीक है पाँच तारीख से रात को बारह बजे के बाद ये लगा था पोर्टल तब से ना आप लोगों को कुछ डिफरेंट तरीके के ड्रीम्स आ रहे हैं या हो सकता है विजन्स आ रहे हैं या फिर आपको पहले से ही महसूस हो रहा है कुछ कुछ चीज़ों के बारे में और जब आपको महसूस हो रहा है ना तो आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं

Like, आप लोगों के लिए क्या पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं क्या पॉजिटिव कार्ड आते हैं आप लोगों के लिए अब मैं चार कार्ड निकालूंगी आपके करियर के लिए और चार कार्ड निकालूंगी आप लोगों के आ, लव के लिए और फिर हम ओवरऑल एनर्जीज पिक करेंगे तो हाई प्रिस्टिस फोर ऑफ सोड्स पेज ऑफ सोड्स एंड द ब्यूटिफुल ऑफ सोस का कार्ड सोट्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है हो सकता है आप लोग जेमिना लिब्रा एक्वेरियस एनर्जीज हैं आप लोगों की ठीक है आप लोगों के लिए लव कार्ड्स, लव एनर्जीज आप लोगों के लिए है द लवर्स क्या बात है किंग ऑफ नाइट ऑफ सोड्स अगेन सोड्स एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस आपने अपने जीवन में बहुत सारा परिश्रम देखा पायल नंबर वन पीपल करियर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के जीवन में आ रही हैं सिक्स सिक्स पोर्टल के बाद आपकी जो एनर्जी है वो करियर को लेकर के बहुत पैशनेट होने वाली है अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे या आपको ऐसा लग रहा था कि आपका ये काम नहीं हो पाएगा तो वो काम होने वाला है ठीक है आप बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि बेचारे इमेच्योर सी एनर्जी से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी में चले गए वो कुछ ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए आप कुछ नया देख पाएंगे मनी फाइनेंस मुझे इंप्रूव नज़र आता है एंड करियर के अंदर कोई न्यू जॉब या कोई न्यू बिजनेस या कुछ आपको ऑफर हो सकता है ठीक है है बहुत बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा फ्रीडम आ रहा है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपका करियर जो है पीक पे जा सकता है मुझे लवर्स का कार्ड है यहाँ पे आप लोगों के लिए नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड है आप लोगों के लिए नाइट ऑफ किंग ऑफ वॉन्स एंड नाइट ऑफ वॉन्स एंड एट ऑफ सोज अगर आपकी लव लाइफ में किसी तरीके की समस्या चल रही थी आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ रुका थका सा है परेशानी बहुत ज़्यादा है चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं चल रही हैं बहुत ज़्यादा स्टक हूँ मैं इस रिश्ते के अंदर मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो बहुत भागी दौड़ी होकर के ना आपकी लाइफ में क्लैरिटी आने वाली है दिस इज़ आई एम सीन एंड लवर्स का कार्ड है अगर आप किसी पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में थे लेकिन आपको सही कुछ महसूस नहीं हो पा रहा था तो कुछ सही महसूस होने वाला है चीजें आपकी लाइफ में बेटरमेंट की तरफ जाने वाली हैं एंड क्योंकि यहां पे नाइट ऑफ का वार्ड है तो आई मस्ट से आप लोगों के जीवन में ना खुशियां आ रही हैं चाहे फिर वो टर्म हो आपके करियर का फिर चाहे वो टर्म हो आपके लव लाइफ का आई एम सींग लॉस ऑफ चेंजेस आपकी लाइफ में ठीक है बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए जस्टिस का कार्ड है तो फॉर श्योर sure, आप लोगों के जीवन में जस्टिस आ रहा है पास्ट में जो भी आपने परेशानी

यहां से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या काज है तो आप लोगों के लिए काज है ब्रीथ एंड हैप्पी हैप्पी तो खुश हो जाओ भाई आप लोगों के लिए कार्ड ही हैप्पी हैप्पी आ गया आप अगर किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो या बहुत ज़्यादा नेगेटिव पथेटिक फील कर रहे हो तो आप खुश हो जाओ डेली है ना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट कर दो आप लोगों को नहीं पता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करनी है मुझे मुझे पूछा कीजिए प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कीजिए ठीक है मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो सो so दैट वो आपकी लाइफ के अंदर गुडनेस लेकर आ सके ठीक है नाउ uh, यहाँ से मैं आप लोगों के लिए कुछ कार्ड्स निकालना चाहती हूँ एज ए कॉम्प्लीमेंट्री कि uh, और क्या हम पॉजिटिव देख सकते हैं आप लोगों की लाइफ में हाउस प्लस प्रोस्पैरिटी तो हो सकता है सिक्स सिक्स पोर्टल के बाद आप लोगों के जीवन में घर प्रॉस्पैरिटी कोई विश फुलफ़िलमेंट एंड ट्रू लव आ जाए ठीक है और बॉटम ऑफ द डे के अपॉर्चुनिटी एंड विक्ट्री वही कार्ड्स आए सेम जो मैंने अभी आपको बोले थे कि अपॉर्चुनिटी एंड विक्ट्री आ रही है आप लोगों के जीवन में नेगेटिविटी का खात्मा हो रहा है साइकिक एबिलिटीज बढ़ रही है पाइल नंबर वन ठीक है तो ये तो आप लोगों के लिए एनर्जी कार्ड्स एंड मैनिफेस्टेशन कार्ड्स थे अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी एडवाइजेस दे देती हूँ फ्रॉम द ब्यूटिफुल योगिक कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या एडवाइजेस है डिवाइन की तो आप लोगों के लिए एडवाइस है विशुद्धि चक्र यानी कि आपका थ्रोट चक्र एंड महाशिवा आप लोगों के लिए कहा जाए है गाइस कि आप लोगों को शिवा की तरह होने की ज़रूरत है कि देखो हम प्रभु की तरह नहीं बन सकते हैं लेकिन क्योंकि हम उनका ही अंश है तो कोशिश जरूर कर सकते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बोला जा रहा है कि सांसारिक सुख सुविधाओं में रह कर के भी सतत्व और साधु वाली एनर्जीज़ का क्लियरेंस आना आप लोगों के जीवन में जरूरी क्योंकि आप लोग साइकिक हैं बाई नेचर एंड आप लोगों को अपने विशुद्धि चक्र यानी थ्रॉट चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है नाउ लेट मी पुल एनर्जीज़ आप लोगों के लिए फ्रॉम पेंडुलम मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करती हूँ तब तक आप अपने लिए uh, जो है क्लियरली एनर्जीज चेक कर लीजिए आप लोगों को मैं बोल रही हूँ कि आपने आँख बंद करके पिक uh, करना है कि प्लीज uh, एंजल्स मुझे मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दें क्वेश्चन आपने इस तरीके से मोल्ड करके पूछना है कि उसका आंसर या तो यस yes आए या नो आए ठीक है तो स्टार्ट कर रही हूं आप लोग प्लीज पिक कर लें क्वेश्चन पूछ लें मैंने अपना हाथ एकदम स्टेबल रखा हुआ है लेट्स सी आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज़ येस पॉसिबली Uh, यानी कि आप लोगों के लिए जो आंसर आया है वो है यस yes, पॉसिबली ऐसा हो सकता है एंड जब भी पॉसिबली का कार्ड आता है या पॉसिबली का साइन आता है तो उसका मीनिंग ये होता है कि आप जितना ज़्यादा हो सके उसके लिए एफ़र्ट्स कीजिए आपको उसके आंसर्स और आपको उसकी प्रोस्पैरिटी डेफिनेटली मिलेगी तो गाइज uh, आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर है येस yes, पॉसिबली ठीक है सो माई ब्यूटिफुल पायल नंबर वन पीपल ये थी आप लोगों की रीडिंग आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी अगर आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं ठीक है तो अपना अपना ख्याल रखिएगा खुद से प्यार कीजिएगा और uh, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है सो अपना अपना ख्याल रखिएगा माई ब्यूटिफुल पायल नंबर वन पीपल अब मैं क्योंकि आजकल मुझे एनर्जीज कुछ डिफरेंट नज़र आ रही हैं शायद पोर्टल्स की एनर्जी है फिर अभी बहुत बड़ा फुल uh, मून भी गया था तो मुझे ना एनर्जीज थोड़ी ऐसी ही लग रही हैं कि मैं बीच बीच में ना वीडियो को कट ना करूँ और अनकट uh, ही वीडियो रहने दूँ सो आई एम डूइंग द सेम वॉट इज़ गाइडेड टू मी ओके अभी आप लोगों को बाहर चिड़ियों की आवाज़ आ रही होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है <laughs> मुझे तो आ रही है मुझे नहीं पता कितनी क्लियर आप लोगों को आ रही होगी ओके सो मै ब्यूटिफुल पाइल नंबर टू पीपल हाई टू ऑल ऑफ यू आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर टू को यानी कि आप लोगों का जो बर्थ नंबर है बर्थ डेट है वो टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी एट एंड थर्टी हो सकता है सो लेट्स गेट स्टार्ट विद योर रीडिंग्स गाइज मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ एंड स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए कार्ड्स कार्ड चेक करते हैं सो मै ब्यूटिफुल पायल नंबर टू पीपल स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग आप लोगों ने पायल नंबर टू को पिक किया है तो बेसिकली आप लोगों को मैंने वैसे तो बताया ही था कि सिक्स सिक्स पोर्टल क्या है बट फिर से बता देती हूँ अच्छा वो मैंने पायल नंबर वन में बताया था ओके सो सिक्स सिक्स पोर्टल का जो मतलब होता है सिक्स इज़ अ नंबर ऑफ क्लियरेंस सिक्स इज़ अ नंबर ऑफ क्लीनिंग क्लीर क्लीनर की तरह काम करता है सिक्स ऑफ सिक्स नंबर तो पोर्टल का मतलब है कि आपके जीवन में जो भी परेशानी परिस्थिति चल रही है उनका खात्मा होना जो भी नेगेटिव चीजें या जो भी नेगेटिव डिस्टॉर्शन एनर्जी चल रही है उनका खत्म होना एंड कुछ अच्छे का आरंभ होना बेसिकली अ न्यू बिगनिंग एनर्जी होती है ये ठीक है बॉटम ऑफ द डेक है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट कार्ड नंबर थर्टीन तो मैं आप लोगों के लिए पहले अच्छे से कार्ड्स निकाल लेती हूँ ठीक है फिर उसके बाद मैं आप लोगों को रीडिंग बताती हूँ तो ये मैंने निकाले आप लोगों के लिए एनर्जी के कार्ड्स ठीक है अब मैं आप लोगों के लिए करियर एंड लव के कार्ड्स निकाल देती हूँ मुझे बताने क्यों बहुत हाई पैशनेट एनर्जी फील हो रही है कल रात से ही आ, जैसे फटाफट 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 जल्दी 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 ये किसी तरीके का इम्पैक्ट हो सकता है तो चलो करियर कार्ड्स सिक्स ऑफ सोर्ड्स फोर ऑफ़ वॉन्स ंग ऑफ कप्स एंड एट ऑफ कप्स लव में है आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ वॉन्स फोर ऑफ पेंटिकल्स टू ऑफ वेज ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ वॉन्स हम्म स्टार्ट करें चलो जी तो सबसे पहले आप लोगों की एनर्जीज़ सिक्स सिक्स पोर्टल के बाद से ये पाँच तारीख के रात बारह बजे के बाद की एनर्जी है ठीक है अब तक अब तक जो भी एनर्जीज है आप लोग है ना बहुत ज़्यादा कई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि उनको अपने दिल पे है ना दर्द महसूस हो रहा है ठीक है दिल की तरफ उनको दर्द हो रहा है या जैसे कई बार होता है ना कि जैसे हमारे चेस्ट में पेन होता है हम लोग सोचते हैं ठंड की वजह से हो रहा है कई बार ठंड की वजह से नहीं होता है कई बार हमारे चक्राज इम्बैलेंस होते हैं ठीक है थीके? तो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि या तो आप लोगों का विशुद्धि हो सकता है या फिर सहस्त्रार्थ हो सकता है या फिर आप लोगों का हो सकता है आपका हार्ड चक्रा ठीक है तो आ, अनाहत कहीं ना कहीं जो है डिस्टरबेंस में है आ, आप लोगों को ग्रीन कलर पहनने के लिए मैं बहुत ज़्यादा गाइड करूँगी पायल नंबर टू ठीक है अच्छा आप लोगों की जो एनर्जीज़ हैं वो है ग्रोइंग आपको ग्रो करना है आपको बैठे नहीं रहना है आपको ग्रो करना है आपको कुछ बड़ा क्रिएट करना है अपनी लाइफ में ठीक है आप बहुत ही ज़्यादा ना ऐसे होपफुल और पॉजिटिव एनर्जीज में हो जहाँ पर आप कुछ स्ट्रांग और यू you नो know, एकदम हैप्पी गो लकी वाला कुछ करना चाहते हो आप ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों की फ़ील हो रही है ठीक है क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है तो आई मस्ट से कि आप लोगों के लिए एक यू you नो know, एक ऐसी एनर्जी है जैसे मैं कैसे समझाऊँ आपको ऐसी एनर्जी मेरे को फील हो रही है जैसे कि कुछ मुझे कुछ बड़ा करना है ठीक है मुझे कुछ ऐसा करना है जैसा मैंने कभी भी अपनी लाइफ में महसूस नहीं किया था ठीक है वो वाली मेरे को एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए फ़ील हो रही है ओके दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है कि आपकी जो एनर्जीज है ना अभी वो किस तरीके की है आ, जैसे लवेबल बहुत ज़्यादा लवेबल ठीक है कि uh, इतना पॉजिटिव इतना हैप्पी ऐसा ऐसा ऐसी वाली एनर्जी आप लोगों की ठीक है आप कुछ ग्रोइंग करना चाहते हैं कुछ लवेबल करना चाहते हैं रोमांटिक फ़ील कर रहे हैं हैप्पी फील कर रहे हैं पास्ट की समस्याओं में बहुत ज़्यादा क्लिंग कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं सोल्यूशन लेके बाहर निकल रहे हैं ठीक है ऐसी एनर्जीज फील हो रही है करियर की बात अगर मैं यहाँ पे करूँ आप लोगों के लिए जो करियर चेंजेस हैं वो हैं सिक्स ऑफ सो फोर ऑफ़ वन किंग ऑफ़ कप्स एंड एट ऑफ कप्स यानी कि करियर uh, के अंदर अगर आपका कोई आपका ना एक बहुत स्ट्रांग योग बन रहा है ट्रैवलिंग का विद द सिक्स ऑफ सो लाइक ये किसी तरीके की ट्रैवलिंग हो सकती कोई है कोई ट्रैवल है ठीक है ये ट्रैवल आपका कैसा हो सकता है ये ट्रैवल आपका हो सकता है जॉब रिलेटेड ठीक है जैसे आप कहीं जा रहे हो कोई जॉब रिलेटेड आपका ट्रैवल मैं देख रही हूँ फोर ऑफ वान्स का कार्ड है तो आई मस्ट से कि आ, किसी तरीके का घर बनाने वाला ट्रैवल जहाँ पर जैसे आप जा रहे हो आपको अचानक से कोई ऑफर हो गई चीज़ और आप वहाँ पे चले गए और आपने कुछ यू नो गैदर कर लिया ठीक है किंग ऑफ कप्स का कार्ड विद एट ऑफ कप्स अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जो भी कार्मिक जॉब है या कार्मिक कोई सिचुएशन है आपके करियर की तो वो आपके जीवन से जा रही है रिलीजिंग ही है सिक्स 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 ऑफ कप पोर्टल है ना तो रिलीज हो रहा है आपके करियर का बर्डन प्लस आपके साथ हो रहा है कि रिलीज हो रही है आपकी नेगेटिविटी प्लस आपके साथ हो रहा है ट्रैवल करियर के अंदर मैं ये चेंजेस देख रही हूँ लव के अंदर मैं बोलू तो मुझे कुछ खासा बड़े बदलाव नजर आ नहीं रहे हैं हाँ जो भी आपकी सिचुएशन

लव की एनर्जीज आप लोगों के लिए कैसी आ रही है आ, बहुत ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं जैसे करियर के लिए तो ट्रैवल भी आया है घर बनाना भी आया है कोई अच्छी ऑफर भी आई है या कोई नेगेटिव कार्मिक जॉब चल रही थी या कोई नेगेटिव इशू चल रहा था करियर में तो उसका खत्म होना भी आया है लेकिन क्वीन ऑफ वांस का कार्ड है तो मैं बोलूँगी कि आप अपनी तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे अगर लव की बात आएगी तो कुछ नेगेटिव चीज़ें इंप्रूव ज़रूर हो सकती हैं बट कुछ ज़्यादा खास मुझे दिख नहीं रहा है ठीक है आपकी किसी सोलमेट के साथ चीज़ें एज पर आ सकती हैं चीज़ें सही हो सकती हैं ठीक है बाकी आ, मैं कुछ खासा देख नहीं रही हूँ यहाँ पे, ठीक है ये एनर्जीज आप लोगों की आ रही है नाउ कुछ चीज़ों को लेकर के आप नेगेटिव फंड तो फील करेंगे हर बंदा हर वक्त खुश तो नहीं रह सकता ना आप लोगों के लिए आया है सोलमेट फ्लेम किसी की हो सकता है एंट्री हो जाए ठीक है विद दी हेल्प ऑफ गॉड ग्रेस कुछ अच्छा अचीव होगा आपको आपके पार्टनर के साथ कोई रिकन्सिलिएशन हो सकता है कोई इंप्रूवमेंट आ सकता है ठीक है अब आ, मैं आपको बताती हूँ आप लोगों के लिए क्या डिवाइनिक कार्ड्स हैं फ्रॉम द योगिक आपके लिए आया है ध्यान और आपके लिए आया है तपस आपको बोला जा रहा है डेली मेडिटेशन करना स्टार्ट करें अगर आपको नेगेटिविटी फील होती है या आपको ऐसा लगता है कि सिचुएशन आपकी सेटल नहीं हो पा रही है या आप फंस गए हैं ध्यान करना स्टार्ट करें वो एक स्ट्रांग तब बनेगा और आप कुछ अच्छा क्रिएट कर पाएंगे ठीक है ओके okay, सो so अब आप लोगों के लिए मैं निकालती हूँ आपके क्वेश्चन का आंसर आप लोग प्लीज़ अपने लिए अपने क्वेश्चन को पूछ लीजिए डिवाइनिक एंजल्स से लेट्स सी आपके क्वेश्चन का आंसर यस yes होगा या नो no? सो so गाइज़ आप लोगों के लिए आ रहा है यहाँ पे पॉसिबली यानी कि फिफ्टी फिफ्टी आपका जो भी क्वेश्चन है लाइक like, जो भी क्वेश्चन है आपका उसका आंसर पॉसिबली यानी कि हो सकता है हो सकता है फिफ्टी फिफ्टी सिचुएशन है देखो नो no से तो बेहतर ही है फिफ्टी फिफ्टी का आना ठीक है नो तो नहीं आया एटलीस्ट आप लोगों के लिए आया है फिफ्टी फिफ्टी तो आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है चीज़ों को लेकर के आपका काम हो जाएगा ठीक है सो so, uh, आप लोगों के लिए गाइस ये थी आज की रीडिंग अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड किसी भी तरीके के पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं तो अपना ख्याल रखिएगा खुद से प्यार कीजिएगा ठीक है बाय